आपका नाम क्या है भाई? सर मेरा नाम अमित मौर्य है। ये जो कागज है अपना उठा के दिखाओ इन लोगों को। इसमें क्या लिखा है अच्छी तरह पढ़ो इसको। इसमें क्या लिखा है आपने बताओ। ओबीसी एससी शिक्षकों को नियुक्ति दो। सर हम 2 साल से इको गार्डन में लगातार नहीं, तुम 2 साल से चक्कर काट रहे हो। ठीक है, खड़े हो खड़े हो। मौर्या जी, ये आपने पोस्टर पकड़ रखा है, ये कागज की कोई जरूरत नहीं, इसको हटाओ। ये आपने कोई जरूरत नहीं इसकी। देखिए, ये आपने पोस्टर पकड़ा हुआ है, इस पे ये शब्द ओबीसी और एससी लिखा है, इसका क्या मतलब है? ओबीसी शब्द का मतलब बताओ मुझे। सर जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हीं को ओबीसी कहते हैं। हम लोग ओबीसी एससी जो है पिछड़े समाज से हैं, हम लोगों का जो है। सबसे पहले भाई माइक इस्तेमाल करना सीखो, इसको यहां पकड़ो फिर बोलो। सर थोड़ा घबरा रहे हैं। घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है तुझे। अब मुझे बताओ ओबीसी क्या है? आपको नहीं घबराना, ओबीसी क्या है मुझे बताओ। थक चुके हैं। बोलो बोलो बोलो, ओबीसी क्या है मुझे बताओ। रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। भाई ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में कितनी है ये बताओ। सबको मिला के ओबीसी मिला के लगभग 85% है। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बब्बर शेर की आबादी 50% है। बात समझ आई? इसकी आबादी 50% है। ये कागज फिर से दिखाओ मुझे। नहीं, दूसरा वाला, नीला वाला, ये पकड़ो। इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एससी। जोर से, एससी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? वो भी 15%। 15%, 50 और 15 कितना? 65 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? बोलो 72। तो ये सुनो सुनो, इसकी आबादी 73% है। ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये पिछड़ी जात का है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। सही बात बोली मैंने? इसका कोई भविष्य नहीं है। और हमारा काम, 73% का काम इसके लिए भविष्य बनाने का है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी 24 घंटा दबाए जाते हैं, उन पे थूका जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनके रास्ते बंद किए जाते हैं। ये सच्चाई है देश की। मैं आपसे पूछता हूं, 200 सबसे, आपसे पूछूंगा मौर्या जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, अदानी वाली, अंबानी वाली, टाटा वाली, बिरला वाली, सुने होंगे नाम आपने। आगे पीछे देखो, नाम दिख जाएंगे। मुझे बताओ मौर्या जी, इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौर्या जात के कितने लोग हैं बताओ? कोई नहीं है सर। भाई और बहनों, मौर्या जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? कोई नहीं है। बताओ पासी कितने? कोई नहीं है सर। जाटव कितने? कोई नहीं है। आदिवासी कितने? कोई नहीं है सर। कुर्मी कितने?
कोई नहीं है सर। लोधी कितने? कोई नहीं है। भाइयों और बहनों 50% आपकी आबादी है, 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक ओबीसी, ना दलित, ना एक आदिवासी। अब मौर्या जी मुझे कहेंगे, देखो भैया मैं मालिक नहीं बनना चाहता, मैं तो मैनेजमेंट में जाना चाहता हूं। तो बताओ मौर्या जी 200 सबसे बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट में आपके कितने लोग? कोई नहीं है सर। जोर से बोलो, कोई नहीं है। कोई नहीं है तो मैनेजमेंट में कोई नहीं, मालिकों में कोई नहीं। 73% आबादी का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में कोई नहीं। अब भैया मौर्या जी बताओ प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में से मौर्या कितने? मुझे किसी का पता नहीं है मौर्या। कोई नहीं, मैंने लिस्ट निकाली है, कोई नहीं। अब बताओ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मालिक में 73% के कितने? कोई भी नहीं। अच्छा बताओ हाई कोर्ट में 650 हाई कोर्ट जज है, उनमें से बता दो मौर्या कितने? एक भी नहीं है। मुझे बताओ मौर्या जी ये मीडिया वाले चक्कर काट रहे, इनके मालिकों में से मौर्या कितने? कोई भी नहीं है। ओबीसी कितने? कोई भी नहीं। दलित कितने? कोई भी नहीं। पिछड़े कितने? कोई भी नहीं है। अब बताओ मीडिया में कोई नहीं, सबसे बड़ी कंपनियों में कोई नहीं, तुम कोर्ट्स में कोई नहीं, तो मौर्या जी तेरे आदमी है कहां? कहीं नहीं है सर। तेरे आदमी मजदूरी करने देश में, मनरेगा की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, दलित दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे, दलित निकलेंगे। अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूं, तुम लोग ये कागज लिए बैठे हो ना, पेपर लीक वाले, हेलो जरा आनंद मौर्या, मौर्या जी बैठे रहो, मौर्या नीचे नहीं बैठना, ऊपर बैठना है। अब मौर्या जी अब मैं आपको बताता हूं ये पेपर लीक में क्या हो रहा है, बात समझनी है आप लोगों को? समझनी है? अब 73% ने, 73% कौन है? दलित, आदिवासी, पिछड़े। उसमें 15% आप माइनॉरिटी जोड़ दो, ठीक है, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सब जोड़ दो, और 4-5% गरीब जनरल कास्ट के जोड़ दो, ठीक है। तकरीबन हिंदुस्तान की 90% आबादी। अब ये क्या करते हैं, इनको सबसे पहले एक झूठ बताया जाता है, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं इतने बड़े, उनको कहा जाता है बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा, आजा बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा आईएएस में, आईपीएस में, रेलवे में, इधर उधर नौकरी मिलेगी। ठहर जाओ, सुनो, उसको कहा जाता है, इतने बड़े बच्चे को कहा जाता है बेटा तू पढ़ ले, तेरे बाप के जेब में से 5-6 लाख रुपए निकालकर प्राइवेट कॉलेज में डाल दे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल दे, कोचिंग सेंटर में डाल दे, और फिर तुझे आईएएस, आईपीएस, वो देखो बीजेपी वाले झंडा उठाएं, हेलो हेलो, पांच लोग खड़े वहां पे झंडा लिए, वो देखो झंडा भी डाउन कर दिया, तो उनको कहा जाता है बेटा बड़े होके आईएएस में जाओगे, पुलिस में जाओगे, इधर उधर जाओगे, आप 5-10 लाख रुपए डालते हो और फिर क्या होता है, आपका पेपर लीक हो जाता है,
और वही 2-3-5% लोगों को 100% मार्क्स मिल जाते हैं बिना कोई काम किए, आप देखते रह जाते हो। भाई और बहनों, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आदिवासी हो, आपका काम सड़कों पे लिए ऐसे पोस्टर लिए घूमने का है, ये आपका काम है। आपका इस देश में और कोई काम नहीं बचा, ये आपका भविष्य। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है, और उनका काम, उनका कुछ नहीं होगा भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। आपके बच्चे जीएसटी देते हैं, आप जीएसटी देते हो, मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो? आपने कभी मीट, भैया उसको मारो मत बेचारे को, भैया आप आ जाओ यहां, आ जाओ, डरना नहीं है, इसको बुलाओ, आ जाओ, मारना नहीं है इसको, आओ इधर आओ भाई, इधर लाओ इसको, आ जाओ, आप रिलैक्स करो, यहां आ जाओ बस, शांति से भैया, शांति से यहां आ जाओ, बस बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके जो मालिक हैं, अरबपति हैं, ये किसानों की कभी बात, बैठो, ये किसानों की कभी बात नहीं करेंगे, ये दलितों की, पिछड़ों की कभी बात नहीं करेंगे, ये अपने अखबार में ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे। ये हिंदुस्तान का भविष्य है, ये है, इसको देखो अच्छी तरह। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ये आपका भविष्य है। और दूसरी तरफ 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं, इधर देखो उधर देखो। भाई और बहनों, आपकी 73% आबादी है, क्रांतिकारी कदम लेना है आपको। मैं बता देता हूं क्या है, जाति जनगणना, सबसे पहले आपको पता लगाना है आपकी आबादी कितनी, उसके बाद इस देश का जो धन है किसके हाथों में, वो आपको पता लगाना है। आपको सुबह उठना है, कहना है भारत माता का कितना धन मेरे जेब में आया। अदानी उठता है सुबह और कहता है आज मैंने सोचना है, मैंने देखना है सोने की चिड़िया का कितना पैसा मेरे जेब में आया। यही सवाल आप सबको अपने आप से हर रोज पूछना पड़ेगा। जब तक आप ये सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप लोग प्रगति नहीं कर सकते हो। आपका 24 घंटा बेवकूफ बनाया जाता है, 24 घंटा। ये मौर्या जी खड़े हैं,
मौर्य जी आपको डरना नहीं है, आपको जाति जनगणना के लिए लड़ना है। जाति जनगणना से आपकी आबादी के बारे में पता लगेगा, जाति जनगणना से आपको पता लगेगा कि देश के बड़ी कंपनियों में आपके लोग कितने हैं, मीडिया में कितने लोग हैं, ये सब पता लगेगा। उसके बाद क्रांतिकारी काम शुरू होगा, फिर इस पोस्टर की जरूरत नहीं होगी। समझे बात? घबरा गए हैं? डरना नहीं है, ठीक हो? क्या हो गया? हाँ, घबराहट नहीं, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था। आप राम मंदिर की बात होती है, 24 घंटा राम मंदिर की बात होती है, वहां पे आपने किसान को देखा, आदिवासी राष्ट्रपति को देखा, दलित को देखा, अंबानी को देखा, अदानी को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, शाहरुख खान को देखा? ये है 2-3% जो देश को चलाते हैं। आप लोगों को जो आपका हक है वो लेना है। 73% को खड़े होके अपना हक लेना है, और हक लेने का पहला कदम जाति जनगणना है, भूलो मत। आप सबका दिल से धन्यवाद। न्याय यात्रा में हमने शब्द न्याय इसलिए जोड़ा है, आपके खिलाफ अन्याय नहीं जाना कहीं, आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। आपको हर रोज आपकी बेइज्जती की जा रही है। ये आपके बच्चों का भविष्य नहीं हो सकता, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। धन्यवाद। जय हिंद। न्याय का हक मिलने तक।